रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ जी मैं ताशपीन के दस्तरखान के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है फ्रेश बीन और आलू की सब्ज़ी, जिसको अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये 1 कप से थोड़ा सा कम आयल हमने ले लिया है। चूल्हे को ऑन करेंगे, थोड़ा सा आयल को गर्म होने देंगे। आयल गर्म हो चुका है, इसमें हम स्वेद ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने देंगे, अच्छी सी खुशबू जब आने लगे फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ये तकरीबन हमने 1 मीडियम साइज़ प्याज ले ली थी, इसको हमने काट कर लिया है। प्याज को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, ये लाइट लाइट सा जब गोल्डन हो जाए तो ये लहसुन अदरक का हमारे पास ये कुटा हुआ है और एक हरी मिर्च हमने इसमें कूट लिया है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है हमारे पास, ये शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको डालने के बाद ज़्यादा देर हमने इसको कुक नहीं करना, फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। प्याज का जब ये कलर होने लगे लाइट गोल्डन सा तो फिर हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर, 1.5 ही हम नमक शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। वन टी स्पून कुटा हुआ धनिया, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अच्छी सी महक आने लगे तो ये हमने मीडियम साइज 3 टमाटर थे जो हमने ग्राइंड कर लिए हैं ये शामिल करेंगे। अच्छी तरह इनको भून लेंगे प्याज के साथ। मसाला हमारा अच्छी तरह पक चुका है, अब हम इसमें 1 चिकन क्यूब शामिल करेंगे। ये सब्ज़ी के जायके को मज़ीद बेहतरीन कर देता है, आपकी अपनी पसंद पे है, आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। थोड़ी देर इसको पकाने के बाद हम फ्रेश बीन इसमें शामिल करेंगे। मसाला अच्छी तरह पक चुका है, अब हम सब्ज़ी शामिल करेंगे इसमें। सब्ज़ी डालने के बाद 5 से 7 मिनट तक हम सब्ज़ी को अच्छी तरह भून लेंगे मसाले में। असल में यहाँ ठंड होती है तो बग़ैर कुकर के सब्ज़ी थोड़ा मुश्किल होती है पकाना, इसलिए कुकर को अपने मतलब इलाके के हिसाब से आप टाइम दे सकते हैं। इसको थोड़ी देर भूनने के बाद तकरीबन हम इसको 7 मिनट के लिए कुकर को बंद करेंगे। ये हमने इसको कवर करके तेल पकने के लिए छोड़ दिया था, तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। ये हमारे पास 1/2 kg फ्रेश बीन थी, और अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। हमारे आलू 1.5 पाव हैं, इसको इनको भी हम अच्छी तरह भूनेंगे पहले मसाले के साथ। पाँच से सात मिनट तक हम आलू को भी भूनेंगे मसाले के साथ, इसको हम डांप देंगे। 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह पकने के बाद, अच्छी तरह हमने इसको भून लिया है आलू और फ्रेश बीन्स को। अब हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और कुकर को लगा देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। आप अपने इलाके के मुताबिक लगा लें, क्योंकि बाज़ जगह जल्दी सब्ज़ी पक जाती है, बाज़ जगह नहीं पकती। तो अब हम इसको बंद कर देंगे कुकर को। 7 मिनट तकरीबन हमने वेट चलाया है, सब्ज़ी हमारी अच्छी सी तैयार हो चुकी है और बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है, आप लाजमी इसको ट्राई करें। सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो ख़त्म करने से पहले एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हिकमत की बात मोमिन की गुमशुदा माल है, वो जहाँ कहीं से भी इसे पाता है अपना लेता है।